नमस्ते बच्चे, आपने कविता पढ़ा? हाँ, वेरी गुड। तो मैं एक सवाल पूछूं, आपको सर्कस पसंद है? हाँ हाँ, वो तो पूछने की बात ही नहीं है ना। तो जो पाठ हम आज लेने वाले हैं वो भी सर्कस से संबंधित है। देखो, हमारा पाठ का नाम है गुब्बारे पर चीता। क्या है? गुब्बारे पर चीता। और ये लिखा है हिंदी के मशहूर लेखक श्री प्रेमचंद जी ने। तो हमारा पाठ का नाम क्या है? गुब्बारे पर चीता। और ये लिखा है मशहूर लेखक श्री प्रेमचंद जी। तो कहानी के शुरुआत में हमारे नायक बोलता है कि हाँ, क्या बोलता है? मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने की सलाह दे रहा है। तो हमारे नायक का नाम क्या है? बलदेव। क्या है? बलदेव। और वो क्या बोल रहा अपने दोस्तों से? हाँ, मुझे ली मिले और या ना मिले, मैं जरूर जाऊंगा सर्कस देखने के लिए। तो क्या देखने के लिए? सर्कस। तो क्यों वो ऐसा बोलता है? देखिए, बात ये थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। हाँ, यही कारण कि स्कूल के पास एक मैदान है, वहाँ एक सर्कस पार्टी आई थी और इसीलिए उसने ये सब बोला था। बच्चे है ना, उसको तो ज़रूर सर्कस पसंद हो गए, है ना? तो सारे शहर की दीवारों पर नोटिस चिपका दिए। तो सारे शहर में, शहर का मतलब है टाउन, तो टाउन के सारे जगह में वहाँ के पूरे दीवारों पर, वॉल पर क्या था? ये सर्कस का नोटिस चिपका दिए थे। और उनमें क्या क्या था? जंगली जानवर थे, उनका तो अजीब पिक्चर उसमें चिपका दिया था। ये क्यों ऐसा करता है? हाँ, सर्कस के लिए आकर्षित करने के लिए हम ऐसा नोटिस वहाँ पेज करता है। तो पहला शो रात को शुरू होने वाला था। हेडमास्टर ने बच्चों से कहा कि मत जाओ, मना ही कर दिया था। लेकिन बलदेव के मन में क्या है? हाँ हाँ, मुझे ज़रूर जाना है। तो वो नोटिस पर लिखा था कि आ गया है, जो सर्कस के लिए आप ईगरली वेट कर रहा था, सॉरी, वो तो यहाँ आया है। और उसका नाम है बम्बई सर्कस। सर्कस का नाम क्या है? बम्बई सर्कस। तो बच्चों के मन तो पूरा सर्कस में लगा हुआ था। वो तो क्लास में बैठ रहा था, किताब तो खुला था, लेकिन मन में क्या है? हाँ, मन में तो पूरा सर्कस ही है। तो वो आपस में बातें कर रहा था कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, कैसे ये दोनों एक बर्तन में पानी पिएंगे? और बोलता है कि हाथी बाइसिकल चलाएंगे, बैलगाड़ी चलाएंगे। तो किसी ने बोला कि हाथी कैसे बैलगाड़ी चलेंगे? तो किसी ने बोला कि हाँ, मे बी, क्या है, उसका व्हील तो बड़ा होगा, पहिए तो बड़ा होगा। तो इतने सारे वो आपस में डिस्कस कर रहा था, कहाँ से? अपनी क्लासरूम से। और हमारा नायक ये बलदेव क्लास के पीछे बेंच पर बैठ रहा था। वो क्या कर रहा था? अपनी मैथ्स की नोटबुक में हाथी का पिक्चर लगा रहा था, एलिफेंट का पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। तो वो सोच रहा था कि कल रविवार है, तो संडे हो तो बहुत मज़ा आ जाते थे, लेकिन क्या है, कल तो रविवार नहीं है। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा कर दिए थे, और वो किसके लिए? ये सर्कस देखने के लिए। उसे पता था कि सर्कस देखने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो टिकट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए कुछ पैसा जमा कर उसने रखा था। और वह सोचा कि अगर समय मिलेंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो इसी तरह उसे समय मिला, देखिए कैसे। तो हेडमास्टर के ऑर्डर के अनुसार बच्ची को छुट्टी मिली, वो बाहर आ गई। और बाहर आकर सब बच्चे मास्टर जी के साथ गेंद खेल रहा था। तो उसी समय चुपके चुपके ये हमारा बलदेव, हाँ, सर्कस के ओर चली। बाकी बच्चे ने कहा हम नहीं आएंगे,
तो इसलिए उसने क्या किया, अकेले गया, चुपके चुपके सर्कस की ओर चली। वो तो वहां पहुंच गए सर्कस पर, वहां पहुंच गया। बलदेव तो बड़ी जिद्दी थी, वो मन में एक बात सोचते तो जरूर करती थी। तो वहां पहुंचकर, सर्कस में पहुंचकर उसने क्या किया, पैसा दिया और टिकट खरीद लिया। और पहले तो वो जानवरों को देखने के लिए गया। इसके लिए कितने पैसे दिए था जानवरों को देखने के लिए, एक आना दिया था और अंदर प्रवेश किया। तो पहले किसको देखा, हाँ ये जानवरों को देखते समय क्या हो गया ना, उसके मन में जानवरों के प्रति एक इमेजिन था, कल्पना था कि जानवर यहाँ के, ये सर्कस के जानवर तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होंगे, क्योंकि ना सर्कस शो करने के लिए ऐसा एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह सोच मन में रखकर वो वहाँ गया और जानवरों को देखने लगा। तो पहले कौन था, हाँ पहले था शेर को देखा। तो शेर को देखते समय क्या हो गया, हाँ वो सोचने लगा कि क्या इस शेर को बहुत महीनों से मलेरिया बुखार आए हैं, तो इस शरीर से वो कैसे जिम करूँगा, क्योंकि देखने में तो बहुत वीक है ये शेर। तो इसी सोच उसमें मन में आ गया। तो इसके बाद किसको देखा, हाँ इसके बाद तो जंगल के बड़ा जानवर बाघ को देखा। तो बाघ को देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने ये बाघ का ब्लड तो पी लिया है, खून तो किसी ने पी लिया है, इतना तो एक डेड बॉडी के तरह है वो दिखने में। तो वो सोचा इसी तरह के जानवर कैसे ये सर्कस में खेलेंगे। तो फिर किसको देखा, हाँ भालू को देखा। भालू को देखते समय सुअर की तरह लगता है ये, और ये भी नहीं काना है, एक आंख तो दिख नहीं पा रहा है। तो फिर किसको देखा, चीता को देखा। तो ये सबको देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गया, क्यों, उनके मन का सोच था कि ये था कि ये सब जानवर बहुत बलवान होंगे, पावरफुल होंगे, लेकिन ऐसे नहीं था, ये सब जानवर बहुत वीक थे। पहले किसको देखा था, शेर को देखा। शेर को देखकर क्या लगा, हाँ हाँ इसको मलेरिया होगा। और इसके बाद किसको देखा, बाघ को देखा। बाघ को देखकर उसको किसकी तरह लगा, एक डेड बॉडी की तरह लगा। और इसके बाद भालू को देखा, भालू को देखकर वह सोचा कि ये एक सुअर है। तो इसी तरह चिंताएं उसके मन में आए। तो बच्चों हमने आज यहाँ तक कुछ ले लिया है ना, एक और बार दोहराएं। तो पहले हमने क्या बोला था, हाँ हमारा नायक के बारे में, उसका नाम क्या था, उसके नाम क्या है, बलदेव। बलदेव के स्कूल के पास एक मैदान है, वहाँ कौन आ गया, हाँ एक सर्कस पार्टी आ गया है। तो बच्चों के मन में क्या है, उसके मन में तो पूरा सर्कस की चिंता है। तो हेडमास्टर ने क्या कहा, हेडमास्टर ने कहा मैं आपको वहां जाने की परमिशन नहीं दूंगा। तो उस समय बलदेव ने क्या सोचा, अगर हेडमास्टर परमिशन दे या ना दे मैं जरूर जाऊंगा। बच्चे तो क्लास में बैठ रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है, पूरा के पूरा ये सर्कस का चिंदायम है। वो तो किताबें गुला है, चर्चा तो किसके बारे में है, हाँ ये सर्कस के बारे में। और इसके बाद हमारा ये नायक बलदेव अपने मैथ्स की नोटबुक पर हाथी का पिक्चर लगा रहा है। और एक दिन उसको समय मिला, उस समय उसने क्या किया, हाँ चुपके से ये सर्कस देखने के लिए जाता है और एक आना रुपया देकर जानवरों को देखने के लिए जाता है। और उसके बाद कुछ जानवरों को देखा, वे कौन कौन थे, पहले तो शेर, शेर तो कैसा है, हाँ उनको लगा कि उसको तो मलेरिया आया है।
इतना तो वीक हो गया है ये शेर। उसके बाद किसको देखा? हाँ, बाघ को देखा। बाघ को देखकर उसे लगा कि ये एक डेड बॉडी है, इसका खून तो किसी ने पी लिया है। और उसके बाद भालू को देखा, और लास्ट में किसको देखा? चीता को। तो बच्चों, आप क्या करना है, यहाँ तक का पाठ भाग अच्छी तरह पढ़ना है और ये लिखना है कि ये बलदेव किन किन जानवरों को देखा है और इसकी विशेषता क्या है। भूलना मत, ये जरूर अपने नोटबुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, आशा है आपको ये क्लास समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।